टॉपिक डालेंगे चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग देखिएगा, सबसे पहले हमें समझना है चेन होल्डिंग क्या है और फिर इसके क्वेश्चन के द्वारा हम इसके एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। देखिएगा, ये मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी, और इस पेरेंट कंपनी ने इस S1 में 80% शेयर्स लिए हुए हैं। बताइए, क्या इस पेरेंट कंपनी का S1 पर कंट्रोल है? बिल्कुल है। नाउ इस S1 ने इस S2 में इस S1 ने S2 में 75% शेयर्स लिए हुए हैं। नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप, ये जो पेरेंट कंपनी है इसने S1 में 80% शेयर ले रखे हैं और इस S1 ने S2 में 75% शेयर ले रखे हैं, यानी जो S1 है कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट है और ये जो S2 है ये कंट्रोल्ड बाय द S1 है। और इन द अदर वर्ड्स मैं क्या बोल सकता हूं कि S2 जो है वो पेरेंट कंपनी के द्वारा भी कंट्रोल्ड है, यानी अल्टीमेटली S2 जो है वो पेरेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल्ड है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड चेन होल्डिंग, यानी एक चेन बन गई, पेरेंट ने S1 पर कंट्रोल ले रखा है और S1 ने S2 पर कंट्रोल ले रखा है। तो यानी व्हाट डज इट मीन कि पेरेंट इनडायरेक्टली S2 पर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और इसी सिचुएशन को हम चेन होल्डिंग बोलते हैं। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखिएगा, देखो इसी बात को मैं यहां पर वापस से लिखता हूं, ये है H लिमिटेड यानी होल्डिंग, ये है एक S1 और ये है एक S2। होल्डिंग ने इस कंपनी 80% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं और इसने इसमें 75% शेयर ले रखे हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन कि S1 ने अगर S2 में 75 ले रखा है तो S1 को जो भी हिस्सा मिलेगा, सुनना बहुत ध्यान से, S2 से S1 को जो कुछ भी हिस्सा मिलेगा उसका 80% H को जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल S2 100,000 कमा रही है तो उस 100,000 का 75% यानी 75,000 S1 को मिलेगा और उस 75,000 का 80% किसको मिलेगा, होल्डिंग को या पेरेंट कंपनी को मिलेगा। तो वी कैन से दैट S2 से H पर इनडायरेक्टली 60% हिस्सा जा रहा है। लिसन अगेन, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी ने इस S1 में 80% हिस्सा ले रखा है, यानी जो कुछ भी S1 को मिलेगा, आप समझ रहे हो, आपके पास यानी इस पेरेंट कंपनी के पास S1 का 80% राइट है, यानी जो कुछ भी S1 के पास आएगा उसका
80% एच के पास जाएगा, एग्री यहां तक? नाउ अब एस वन ने एस टू में 75% ले रखा है, व्हाट डज इट मीन? एस टू में जो कुछ भी आएगा उसका 75% एस वन में जाएगा. लेट अस अज्यूम एस टू की जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 1 लाख, प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, ठीक है? 1 लाख का 75% यानी 75,000 एस वन को मिलेगा, एग्री? लेकिन एस वन को जो भी मिलता है उसका 80% यहां चला जाता है, तो इसको मिलेगा 60,000. क्या मेरी यहां तक की बात समझ आ रही है? S2 के 1 लाख के प्रॉफिट का 75% यानी 75,000 S1 को मिलेगा. लीजिए उस 75,000 का 80% यानी 60,000 किसके पास गया? H के पास गया. तो we can say, we can say that H limited indirectly, we can say that H limited indirectly receive 60% share in S2. भाई 1 लाख में से 60,000 एच के पास पहुंच गया, दैट इज 75 × 80%, दैट इज 75 × 80% यानी 60. This is known as chain holding. This is known as chain holding. बोलिए क्या मेरी बात समझ आ रही है? Chain holding की situation को मैं आपको analyze करवा रहा हूं कि H ने इसको directly control किया हुआ है, but ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ एस वन ऑन एस टू, एच लिमिटेड इनडायरेक्टली कंट्रोल एस टू टू द एक्सटेंट 60%. आइए और बात करता हूं. ये है एच लिमिटेड, ये एस वन है जिसमें आपने 70% हिस्सा ले रखा है, और यह है S2. इस S1 ने S2 में 80% ले रखा है, और H लिमिटेड ने S2 में 10% ले रखा है. लीजिए लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन. देखो अब अगर मैं सबसे पहले फॉर एस वन बात करूं, तो एच लिमिटेड होल्डिंग कितनी है? एच लिमिटेड की होल्डिंग है 70%. तो इसका मतलब ये हुआ एनसीआई आ गई 30. यहां तक क्लियर? बिल्कुल. अब अगर मैं फॉर एस टू देखूंगा, तो एच लिमिटेड होल्डिंग, पेरेंट कंपनी की होल्डिंग निकालता हूं, सबसे पहले डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? 10. और इनडायरेक्ट कैसे निकालोगे?
80 × 70% जो भी ये कमाएगा उसका 80 S1 को जाएगा और S1 को जो 80 गया उसका 70% पेरेंट कंपनी को चला जाएगा। तो ये हो गया 80 का 70%, 80 × 70% दैट इज 56। तो 66% तो ये हो गया, तो एनसीआई के पास कितना गया, 34% एनसीआई के पास गया। तो दिस विल बी कॉल्ड एज चेन होल्डिंग सिचुएशन, दिस विल बी कॉल्ड एज चेन होल्डिंग सिचुएशन। यानी जब एक ये तो पेरेंट बनी, ये सब्सिडरी बनी और ये सब सब्सिडरी बन गई, ठीक है। यहां पर इसका कंट्रोल है इसके ऊपर भी और इसका कंट्रोल है इसके ऊपर भी, एक चेन बन गई है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, चेन होल्डिंग सिचुएशन बोल रहे हैं। नाउ टू पॉइंट राइज कि इन केस ऑफ चेन होल्डिंग अब हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस कैसे लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक और पॉइंट को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, देखो सिंपल सी बात सुनना, ये है S1 और ये है S1 की बैलेंस शीट। इसने यहां पर दिखा रखा है इन्वेस्टमेंट इन S2। अब जरा इस इन्वेस्टमेंट इन S2 का ब्रेकअप समझिएगा। S1 ने चूंकि S2 में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो S1 की बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन S2 चल रहा है। व्हाट डज इट मीन, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट इन S2 बेसिकली है क्या। ये इन्वेस्टमेंट इन S2 ये है कि आपने S2 में जो अधिकार ले रखा है ये उस अधिकार की वैल्यू है। अब आपने S2 में जो अधिकार ले रखा है वो लिया कैसे होगा, जरा समझिए वो अधिकार लिया कैसे होगा। मान लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपके 1 लाख के हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपके क्या हैं, 1 लाख के हैं, इन्वेस्टमेंट इन S2। अब जो S1 है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, S1 के पास कुछ अमाउंट होगा जो अमाउंट उसने S2 के शेयर्स को परचेज करने में लगाया है। लेकिन जरा सोचो S1 को पैसा कहां कहां से मिलता है, S1 के पास रिसोर्सेस क्या है, एक तो पेरेंट कंपनी से और एक NCI से। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, S1 जो भी मनी इन्वेस्ट करेगा वो पैसा उसके पास दो ही जगहों से आया होगा, या तो वो पैसा पेरेंट कंपनी ने दिया होगा या वो पैसा NCI ने दिया होगा। एग्री और नॉट, मुझे बताइए ये बात। तो अब मुझे बताइए पेरेंट कंपनी ने कितना पैसा दिया होगा। मान लेते हैं कि पेरेंट कंपनी का S1 में कितना परसेंट था, मान लो 80% था। इसका मतलब क्या था
कि पेरेंट कंपनी ने 80% पैसा S1 के थ्रू आगे इन्वेस्ट किया हुआ है और 20% पैसा किसका है, NCI का है। 20% पैसा किसका है, NCI का है। बोलिए पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, वापस से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं S1 ने जो इन्वेस्टमेंट बना रखा है उसको वो पैसा दो जगह से मिला होगा और उसी पैसे को उसने आगे इन्वेस्ट किया होगा। भाई S1 की रिसोर्स कहां कहां से आ रहे हैं? या तो S1 को पेरेंट कंपनी ने पैसा दिया हुआ है या S1 को NCI ने पैसा दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन S2 आपको दिखाई दे रहा है, इस इन्वेस्टमेंट में दो लोगों की मनी जुड़ी हुई है, एक होल्डिंग की और एक NCI की। बोलो एग्री और नॉट? अभी मैं प्रैक्टिकली इसको और क्लियर कर दूंगा, बट पहले थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। तो इन्वेस्टमेंट में दो लोगों का अमाउंट जुड़ा हुआ है, होल्डिंग का और NCI का। अब होल्डिंग का जो हिस्सा है वो तो कहां काम में आ जाता है? इन्वेस्टमेंट का हिस्सा गुडविल और बार्गेन परचेज में आता है। गुडविल और बार्गेन परचेज में काम आ जाता है। और जितना NCI का इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है वो इन कैलकुलेशन ऑफ NCI में एडजस्ट करेंगे। बस जो समझने वाला इस पूरे टॉपिक में कॉन्सेप्ट है वो इस इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट है और कुछ भी नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट समझना है, नथिंग एल्स। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ लेकर चलता हूं और उससे हम इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 20 निकालिएगा आप। आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 3 कंपनीज बी, जे और जी। असेट्स दे रखी हैं, लाइबिलिटीज दे रखी हैं। अब देखिएगा कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। पॉइंट नंबर 1, बी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ जे। बी ने जे के 60% शेयर दे रखे हैं एंड 10% इन जी, जिनकी कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन 142 और 43 है। और जे एक्वायर्ड 70% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ जी। 3 कंपनियां इन्होंने आपको दी हैं, पहली कंपनी बी, फिर जे और जी। तो देखिएगा सबसे पहले इसने क्या बोला है, बी से जे में 60% होल्डिंग है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। और बी ने जी में भी होल्डिंग ले रखी है 10%। बी ने जी में भी होल्डिंग ले रखी है 10% की और जो जे है उसने जी में ले रखा है 70%। ये आपके पास कुछ होल्डिंग दी हुई है। बी ने जे में ले रखी है 60 और बी ने जी में ले रखी है 10 और फिर जे ने जी में ले रखा है 70। आइए
इससे हम थोड़ा सा ग्रुप स्ट्रक्चर निकाल लें, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर इन जे, जे में बी की होल्डिंग तो है 60%, तो एनसीआई हो गया 40%। ये तो हमारे पास ये आ गया। नाउ इन जी सबसे पहले ग्रुप कंपनी का शेयर, ग्रुप कंपनी का डायरेक्ट 10% है और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कितना हो जाएगा 70% का 60% है, दैट इज 42%। तो टोटल हो गया 52। तो आपके पास एनसीआई का परसेंटेज आएगा 48। ये लीजिए, ये मेरी पहली स्टेप थी ग्रुप स्ट्रक्चर की। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में जे में बी की होल्डिंग 60 है और एनसीआई 40 है, और जी में जो ग्रुप कंपनी है उसका डायरेक्ट कंट्रोल 10 है और इनडायरेक्ट कंट्रोल 42, टोटल 52 हो गया और एनसीआई की वैल्यू 48 आ गई। अब आपको जे और जी की रिटेन्ड अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, आइएगा स्टेप नंबर 2, हम एओपी बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे एओपी ऑफ जे, एओपी ऑफ जे ऑन 8A20X2। ये लीजिए, पर्टिकुलर प्री पोस्ट और टोटल आई, हमें रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है 45। अगर बैलेंस शीट में जाऊंगा तो टोटल रिटेन्ड अर्निंग 90 दे रखी है, तो पोस्ट में भी आ गया आपके पास 45। और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये नीचे एओपी ऑफ जी। अब हम बनाएंगे एओपी ऑफ जी 1A20X3। पर्टिकुलर प्री पोस्ट और टोटल, रिटेन्ड अर्निंग्स
आइए, प्री की रिटेन अर्निंग्स आपको कितनी दे रखी है? चालीस, ठीक है, और टोटल आपको रिटेन अर्निंग दे रखी है 65। तो पोस्ट में आपके पास आ गया 25 और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ये 40 और ये 25 लीजिए, ये हमने एओपी बना दिया है। दैट इज अवर स्टेप नंबर टू, एओपी। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट लीजिए। अब हम नेट असेट निकालेंगे, जे और जी। सबसे पहले लेंगे शेयर कैपिटल, आइए, जे की शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 100 और उसकी 50, 100 और 50। प्री प्रॉफिट्स निकालिए, प्री प्रॉफिट्स कितने निकाले अभी हमने? जे के तो प्री प्रॉफिट है 45 और इसके 40, 45 और 40, तो दैट इज 145 एंड दैट इज 90। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गई, नेट असेट आ गई। पॉइंट नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, अब हमें क्या निकालना है? इसने बोला है, देखिए थर्ड पॉइंट में, इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट, यानी एनसीआई का जो वैल्यूएशन करना है वो प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड से करना है। वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालेंगे एट एक्विजिशन डेट, एनसीआई इन जे। तो देखिए, जे की जो नेट असेट है वो 145 है और एनसीआई का परसेंटेज था 40। स्टेप वन में जाइएगा, एनसीआई का परसेंटेज था 40 और इधर है 48 और एनसीआई इन जी 90 × 48% लीजिए, 145 का 40% 58 और 90 का 48% 43.2। ये लीजिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। हमने ग्रुप स्ट्रक्चर निकाल लिया, उसके बाद हमने एओपी बना लिया दोनों का और उससे दोनों कंपनियों की नेट असेट निकाल दी और एनसीआई की वैल्यू निकाल दी एट एक्विजिशन डेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो करना है, आइएगा, गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज,
गुडविल ऑब्लिक बार्गेन परचेज, जे और जी। कंसीडरेशन, देखिएगा जे में बी लिमिटेड ने जो 60% होल्ड किया हुआ है उसके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है 142,000, तो 142 आ गया, 3 zeros कॉमन है। नाउ लिसन केयरफुली, अब जरा जी में आते हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से बस आपको समझना है। आप देखो जी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% की तो दे रखी है 43, ये तो हमें दे ही रखी है, प्लस अब इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात करनी है। अब बस यहां पर जो मेरी बात है वो बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये जो जे लिमिटेड की बैलेंस शीट है मैं यहां समझा रहा हूं आपको, इसने यहां पर लिख रखा है इन्वेस्टमेंट इन जी 100, यानी जे की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन जी दे रखा है 100। अब मैं सिर्फ एक बात आपसे ये पूछ रहा हूं, जे ने अगर ये इन्वेस्टमेंट बनाया है तो इस इन्वेस्टमेंट को बनाने के लिए इसके पास रिसोर्स भी तो होंगे, वो रिसोर्स इसके पास कैसे आए होंगे बताओ, आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इस इन्वेस्टमेंट का मैं टुकड़ा कर देता हूं, इसमें कुछ हिस्सा तो है बी का और कुछ हिस्सा है एनसीआई का, कितना है अब बताओ, कितना सोचोगे आप? अब मेरे पास सोचने के जो तरीके हैं वो क्या है, देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने 100 किया तो सबसे पहले आपके पास 60% तो आया होगा बी से और 40% इन्वेस्टमेंट की वर्थ आपके पास आई होगी एनसीआई से। अब जो पेरेंट कंपनी का हिस्सा है वो मुझे गुडविल में काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं गुडविल और बार्गेन परचेस निकाल रहा हूं। तो बताइए अगर ये 100 है और 60% हिस्सा है तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 60। क्या मेरी ये बात समझ आ गई है? मेरी बात को एक बार फिर ध्यान से सुनना, जे कंपनी का ये जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने सामने वाले की नेट असेट में राइट खरीदा है, यू हैव अ राइट इन नेट असेट ऑफ द इन्वेस्टी। तो अब उस राइट को खरीदने के लिए आपने 100 का कंसीडरेशन दिया, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं ये 100 के कंसीडरेशन में पेरेंट का हिस्सा कितना और एनसीआई का हिस्सा कितना। तो देखो जे लिमिटेड में 60% बी ने पैसा लगाया हुआ है, तो यानी जे जहां भी इन्वेस्टमेंट करेगी प्रपोर्शनेटली 60% पैसा बी का माना जाएगा। तो अगर जे ने 100 का इन्वेस्टमेंट किया है
तो 60% जो पैसा है वो बी का है, तो ये मेरे पास कंसीडरेशन आ गया फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज। 43 उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट की वैल्यू, और ये इनडायरेक्ट की वैल्यू। प्लस एनसीआई, एनसीआई की वैल्यू 58 और 43.2। तो ये कितना हो गया 200 और 146.2। इसमें से माइनस कर दोगे नेट असेट, इसकी आपने निकाली थी नेट असेट 145 और इधर थी 90। ये लीजिए आपके पास गुडविल आ गई, 200 में से 145 गया तो 55 की गुडविल, और 146.2 में से गया 90, 56.2। टोटल गुडविल 111.20। ये लीजिए, ये हमारे पास वर्किंग नंबर 5 हो गई गुडविल और बार्गेन परचेज, जिसमें जो मेन कैलकुलेशन है वो इस 60 की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम निकालेंगे एनसीआई वैल्यू ऑफ एनसीआई एट कंसोलिडेशन डेट। कंसोलिडेशन डेट पर एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जे और जी, एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। आपने ऑलरेडी एनसीआई एट एक्विजिशन डेट निकाली हुई थी 58 और 43.20। इसमें हमने प्लस कर दिया पोस्ट प्रॉफिट्स, कितना यहां पर हमारे पास 45 आया था उसका 40%, तो यानी 18, यहां पर 25 था और 48% एनसीआई था, तो 25 का 48% हो गया 12। ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत, 76 और ये आ गया 55। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो क्या है, देखिएगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट इन जी था उसमें से कुछ हिस्सा जो बी का था वो आपने गुडविल और बार्गेन परचेज में एडजस्ट कर लिया था। मेरी बात को वापस से समझिएगा, लेकिन अभी भी उसमें 40% एनसीआई वाला हिस्सा बचा रहेगा। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, जे ने जो 100 का इन्वेस्टमेंट किया था, इस 100 के इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से थे,
और 40, एग्री। जे का जो इन्वेस्टमेंट था उसके दो हिस्से थे, 60 और 40। 60 था पी का और 40 था एनसीआई का, यानी जी लिमिटेड में जो एनसीआई है वो क्या है, ये वही एनसीआई की वैल्यू है या नहीं है जो कि उस 100 का हिस्सा बने। मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। जे के बैलेंस शीट में 100 के इन्वेस्टमेंट चल रहे थे, जिसमें से 60 तो बी का था और 40 एनसीआई का था। अब मुझे ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल करना है। मुझे ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल करना है, तो मैंने ये जो 60% था इसे तो गुडविल निकालते समय कैंसिल कर दिया, बट अभी भी आपका 40 का एनसीआई कैंसिल होना बाकी है। तो अब उस एनसीआई को मैं यहां से कैंसिल कर दूंगा, तो माइनस 40। ये आ गया 76 और ये 15.20। टोटल एनसीआई की वैल्यू आपके पास आएगी 76 प्लस 15.2 यानी 19.20। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीआई की कैंसिलेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? मुझे इन्वेस्टमेंट कैंसिल करना है 100 का, उसमें से 60 तो कैंसिल हो चुका है गुडविल और बार्गेन परचेस के टाइम पर, बट अभी भी 40 का कैंसिलेशन बाकी है और उसको मैंने कहां से कैंसिल कर दिया, एनसीआई से कैंसिल कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एनसीआई एट कंसोलिडेशन डेट आ गया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, बीस रिटेन्ड अर्निंग्स देखिएगा, आपको बी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है वो दे रखी है 560। प्लस शेयर इन जे, जे की जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो कितनी थी बताइए। जे की पोस्ट प्रॉफिट थे 45, उसका 60% ले लेंगे। तो लीजिए 45 का 60% निकाल दीजिए, 45 का 60% 27 प्लस शेयर इन जी, इसका प्रॉफिट था 25, उसका 52% मिलेगा। तो 25 का 52% है 13, प्लस 27 प्लस 560, ये लीजिए, ये आपके पास कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू आ गई।
क्लियर है बिल्कुल। आइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सबसे पहले असेट्स। असेट्स में हमारे पास है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, अब ये जो नॉन करंट असेट्स है इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है पीपीई। चलिए तो पीपीई की वैल्यू लेते हैं, 720 प्लस 60 प्लस 70। लीजिए 720 प्लस 60 प्लस 70 तो ये मेरे पास 850 आ। उसके बाद है गुडविल, हमने गुडविल की वैल्यू निकाली थी 111.20। आप देख सकते हैं वर्किंग में गुडविल और बार्गेन परचेज में आपने गुडविल निकाली थी 111.2। करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स आपको दी हुई है, उनका टोटल करते हैं करंट असेट्स का 175 प्लस 95 प्लस 90, 175 प्लस 95 प्लस 90, 360। टोटल लगाइए 360 प्लस 111.2 प्लस 850, 1321.20। ये आपके पास असेट्स आ गई। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल। बताइए शेयर कैपिटल कितनी है आपके पास, 400। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू आपने निकाली थी 600। एनसीआई था 91.20, करंट लाइफ 90.20। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू देखिएगा तो करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 120, 65 और 45, 120 प्लस 65 प्लस 45,
120 प्लस 65 प्लस 45 दैट इज 230। टोटल लगा दीजिए, 230 प्लस 91.22 प्लस 1000, 1321.20 ये आपके पास टोटल आ जाएगा। ये आपके पास किधर टोटल था, ये लीजिए, ये आपके पास चेन होल्डिंग का एक क्वेश्चन हो गया कि चेन होल्डिंग के केस में आप अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करोगे। बस एक ही एडजस्टमेंट था जो आपको समझना था, और वो एडजस्टमेंट था आपका इन्वेस्टमेंट का जो बाइफिकेशन था, वो पॉइंट था आपका।